गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम टू योर नेसेंट ऑनलाइन क्लासेस। अब अपने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज अपन शुरू करने जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब देखिए इधर अब क्या होगा। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करना है। जैसे कुछ एडिशन दिए हुए हैं 602 और सेकेंड है 313, इनको प्लस करना है। और जैसे एक सब्ट्रैक्शन दे रखी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं अपन, 700 माइनस 599। अभी ये है। और फिर है जो इनके क्वेश्चन हैं जिसमें फिट इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो वो भी अपन करेंगे। जैसे 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 634 प्लस 67 माइनस 535 है। तो ये अब देखिए इधर सबसे पहले ये है, इनको क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे 2 और 3 को ऐड करना है, तो 2 में 3 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। फिर बात करता हूँ इनके आगे वाले में, 0 और 1 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 1, 6 और 3 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 9। इधर जैसे हैं 500, ये जैसे हैं, तो 0 में से 9 सेपरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पास वाले में से कैरी लेंगे। इधर हो जाएगा 6, इधर 9 और इधर होगा 10। 10 माइनस 9 करेंगे आएगा 1, 9 माइनस 9 करेंगे आएगा 0, और 6 माइनस 5 करते आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा अपने क्या, 101। फिर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें अपने को फाइनली आंसर क्या आएगा वो बताना है। इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस और हैं वो आपको सेल्फली करना है। जैसे कि इसमें दे रखा है 634 और 67, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 7 और 4 हो जाएगा 11, 1 कैरी। 7 और 4, 6 और 4 हो गया 10, 1 कैरी, और 6 और 1 हो जाएगा 7। अब माइनस करना है 535 को, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाएगा, होगा नहीं तो इधर हो जाएगा इधर 6, इधर 9 और इधर हो जाएगा 11। 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6, और 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से जैसे ही 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6, और 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1। अब आ जाएगा 166, ये आ जाएगा इनका फाइनल आंसर। फिर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर है 10। अब 10th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कविताज फादर इज एट द मार्ट टू सेल फ्लोट, यानी कविता के पापा है जो मार्ट में गए मटकियां बेचने के लिए, घड़े बेचने के लिए। दिस टाइम हर फादर बिल्ड 523 पॉट्स एंड विच 484 वर सोल्ड, देन हाउ मच पॉट्स आर लेफ्ट और अनसोल्ड। यानी उसके पापा ने टोटल है जो 523 पॉट है जो बनाए थे, उसमें से 484 जो पॉट है वो क्या कर लिए, उन्होंने बेच दिए 484। अब बाकी है जो बचे थे, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, अनसोल्ड पॉट कह दो, या फिर बिना बिके हुए कह दो, या फिर शेष कह दो। 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करता है, नहीं होगा ज़्यादा है, इसलिए इधर हो जाएगा 1, इधर होगा 13, 13 माइनस 4 करते ही क्या हो जाएगा 9। इधर 1 में से हो नहीं रहा है तो इधर हो जाएगा 4, इधर 11, 11 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 माइनस 4 करेंगे आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 39। फिर बात करता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या कह रहा है,
कि 358 बॉयज, बॉयज कितने दे रखे हैं अपने को, एक स्कूल है उसके अंदर बॉयज हैं, कितने हैं बॉयज, 358 बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है 261। अब कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दिस स्कूल, तो जब टोटल का पूछा है तो टोटल स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस यानी एडिशन करेंगे, 8 में 1 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 9, और 6 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 1 कैरी, फिर 3 में 2 को ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कैरी वाला नंबर हमेशा ऐड होता है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, तो हो जाएगा इनका सम कितना 619, मतलब दोनों का सम आ जाएगा 619, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 619 स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द स्कूल। फिर 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गार्डन है, अब गार्डन के अंदर क्या होता है, फूल होंगे, तो उसमें जो अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं जिसमें रोज, रोजेस मतलब गुलाब के फूल कितने हैं, रोज के फूल कितने हैं 225, मैरीगोल्ड के फूल कितने हैं, जैस्मिन, चमेली के फूल कितने हैं, कितने हैं चमेली के फूल 378। अब कह रहा है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी टोटल कितने पौधे हैं, मतलब फूल वाले ये पौधे हैं, तो टोटल पूछा है, टोटल प्लांट मतलब इतने रोजेज के फूल के पौधे हैं, इतने मैरीगोल्ड के और इतने जैस्मिन के है, तो टोटल पूछा है, तो क्या करेंगे एडिशन, 6 और 5 को ऐड करते हैं 11, 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 का 9 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 और 1 हो जाएगा 11 1 कैरी, और इधर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी आ जाएगा कितना 719, ये क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट इन द गार्डन। फिर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 के अंदर क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें क्या करना है अपने को, जैसे ये हिंदी में नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है 856 और दे रखा है 324, अब इनका सम करना है यानी इनको ऐड करना है, फिर एक सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा है तो अब इसमें क्या करना है, एडिशन करना है दोनों को, 6 और 4 करते हैं तो 10 0 1 कैरी, अब 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो टोटली इनका सम अगर कहें तो कितना हो जाएगा 1180। फिर बात करता हूँ इसी का ही एक 6th क्वेश्चन है जिसमें सब्ट्रैक्शन है, इनके जैसे 2 और रिमेनिंग जो है एडिशन वो आपको सेल्फली करने हैं, फिर इनका लास्ट वाला जैसे सब्ट्रैक्शन है वो कितना है 357 और ये है 146। अब इनका सम पूछा है, डिफरेंस पूछा है या सब्ट्रैक्शन करना है या फिर आप यूं कह दीजिए इनका सॉल्यूशन करना है, तो ये है 7, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है अपने 1,
और इधर है फाइव, फाइव में से फोर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है वन, और थ्री में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा इलेवन, सॉरी टू, 357 था और ये था 146। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो आगे अपने पास में 211। अब बात करता हूँ होमवर्क की। होमवर्क के अंदर जो ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, इनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग मतलब कुछ के जो क्वेश्चन के जो बीच वाले पार्ट है जो मैंने छुड़वाए हैं, जानबूझ के छुड़वाए हैं, वो आपको सेल्फली है जो अपनी नोटबुक के अंदर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ज्वाइनिंग अस, हैव ए नाइस डे।